ब्लॉग राधे राधे। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। तो अभी बज रहा है सुबह का 10:30 बज रहा है, और आज मैं सुबह के टाइम में मैं वीडियो नहीं बना पाई। इतना तेज़ बारिश हो रहा था ना, दिमाग ख़राब कर दिया मेरे को यहाँ पे बारिश। हमेशा बारिश, सो के उठे हो कभी बारिश, कभी धूप, कभी बारिश। आज तो फिर सुबह से ऐसे लगता है मौसम पगलाया हुआ है। और लाडो रानी भी मेरी उठ चुकी है, अब लाडो का एग्ज़ाम है, इस वजह से अपना वो पढ़ाई कर रही है। उठ के उठी है, नहाए धो लिए, पूजा पाठ कर लिए, तब वो अपना बैठ के पढ़ाई के लिए। और अमृत गया है पूजा करने के लिए, वो थोड़ा लेट से उठा है, तो वो गया है पूजा करने के लिए। थोड़ा क्या, इतना लेट हम ऐसे ही इसलोग उठाते हैं, जब 9 बजता है तो बोलते हैं 10:30 बज गया, जब 10 बजता है तो बोलते हैं 11 बज गया। तब आज लाडो को हम उठाए, कैसे बोले, लाडो मम्मी गई है पूजा करने, हम लाडो को बोले लाडो लाडो जल्दी उठो जल्दी उठो, माँ आरती कर रही है। झूठ बोलना पड़ता है, तभी क्या घंटी बजना हमको लगा, आप तो गए छोड़ दो। मम्मी भगवान को स्नान कराती, तभी लाडो को बोले लाडो लाडो जल्दी करो। तो प्लीज़ बने रहिएगा ब्लॉग के एंड तक, देखते हैं क्या होता है नहीं होता है, सब आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं हम, है ना लाडो? मेरी कितनी बदमाशी कर रही है, क्या कर रही है, नहीं कर रही है, पूरा दिन तक के लिए बाय बाय। अब तो मैं थोड़ा सा ठीक हुआ तो आ रही है। दीदी का तबीयत खराब हो गया तो हम लोग बहुत परेशान हो गए थे, काम करने के लिए नहीं, काम तो कर लेते हैं चलो ठीक है, लेकिन दीदी का तबीयत नहीं ठीक है तो अच्छा नहीं लग रहा था ना। वह आज से दीदी हम लोग के घर में कितना साल से काम कर रही है। दीदी कत बस थी काज कर चुको एखे आसो 11 बस थी हमारे दीदी, मतलब मेरे घर में मेरी दीदी 11 साल से काम कर रही है। देखिए गाइस अभी शाम के बज रहा है 5:30 बोल 3:30, और मैं सो गई थी आज, थोड़ा आज ज़्यादा ही सो गई क्योंकि आज बारिश, इतना बारिश हो रहा था। आज मैं 1.5 घंटा सोई हूँ, पूरा अंधेरा अंधेरा लग रहा था, कुछ समझ में ही नहीं लग रहा था, मतलब कितना टाइम हो रहा। जब दीदी आई है 3:30 बजे, तब हम ये किए हैं, तब हम चाय अभी बना रहे हैं, और दीदी झाड़ू मार रही है, अभी पोछा मारेगी, तब तक चाय पहले पी लेते हैं। हम सोचे नहीं, सबसे पहले चाय पी के अपना मन फ्रेश करते हैं, पूरा एकदम सूसू के पूरा एकदम फूल गए। अब मैं चाय का चाय एकदम बन रहा है। दीदी हो गया छे कोथा तुम्हें? अच्छा ठीक है अच्छी हो गए मैडम, तो जा रहे हैं चाय पीने, मिलते हैं चाय पीने के बाद। देखिए गाइस अभी मैं छत पे आई हूँ, शाम का टाइम है लेकिन बारिश। अमृत दुखी क्यों हो? एक बोलो पतंग मिल, जिस दिन सबसे आप पतंग मिल, जिस दिन हम लोग पतंग के लिए परेशान, मेरा अमृत हो चुका है बेचारा, और ऐसा हो गया है जो पतंग मेरे को मिल नहीं रहा, गए होगा लोग जा रहे फिर भी छत। अमृत बारिश हो रहा, मत जाना बेटा छत पे, बिल्ली दोनों जा रहा है छत पे, फिर से दुखी हो गया है, परेशान हो गया पतंग के चक्कर में। सबके घर में सब उड़ा रहा है, मम्मी हम नहीं उड़ा रहे, मम्मी गई है दरवाजा, मम्मी को बोले हैं लाने के लिए पतंग अमृत की वजह से। बढ़िया ये बन गया पतंग, अब उसका पुछड़ी बनाना है, और ये पूछ उड़ना थी। हाँ यो थोड़ा भाई पतंग आज इतने ही उड़ेगा, इतनी ऊंची उड़ेगा, पतंगों ने सोची भी नहीं होगी। और मैं सुंदर कांड करने बैठ चुकी हूँ, अभी तो मैथिली भी नहीं है, मम्मी भी आज गई है बड़ा बाजार, और दोनों अभी बैठा हुआ पे। लाडो आ जाओ, जो छत पे से सुनो ये तुलसी पत्ता लेके आ जाओ, भगवान की प्रसादी में डाल दो। अब मैं शुरू करूँगी, अमृत जल्दी आ, दोनों आओ, ये दोनों को नहीं बुलाएंगे तो ये दोनों आने वाला नहीं है, जब तक नहीं बुलाएंगे इस लोग को ये नहीं होता है जो हाँ मम्मी शुरू कर रही है। मैथिली को हम डरा धमका के एकदम बैठा देते थे, इस लोग को भी यही करेंगे, बैठाएंगे तो दोनों को। बस तक मेरा तैयारी शुरू हो चुका है, मेरा दीपक उपक सब जल रहा है वहाँ पर, देखते हैं। अब मैं शुरू कर रही हूँ गाइस, आज रात का बज रहा है 8:30, और अभी आज मैं बना रही हूँ सत्तू का पराठा, और आज थोड़ा लेट नहीं हुआ है, मतलब पराठा इस वजह से लेट से बनाते हैं, जो गरम गरम रहे तो सब खा लेता है, इस वजह से मेरा सारा तैयारी यहाँ पे करके रखे हैं हम, जी सत्तू बना के रखे हैं।
भाभी लोग रहती थी ना, तो ऊपर में जो भाभी लोग रहती है वो रहती थी, तो हम लोग शनिवार को लिट्टी बनाते थे। मतलब हमेशा रहता था लिट्टी ही लगता था, दिन में खिचड़ी बनाते थे और रात में लिट्टी। देखिए वो आग पे मेरे को होता नहीं है, इस वजह से मैं सत्तू का पराठा ही बनाती हूँ। तभी मैं मेरा बनाना अभी मैं शुरू करूँगी, बस आधी घंटा में बन जाएगा। खाना पीना मेरा सारा कंप्लीट हो चुका है, अभी रात के बज रहा है 11:30। तो अभी मैं सोने के लिए आ चुकी हूँ और जो यहाँ पे बारिश हो रहा है बस दो ही काम अच्छा लग रहा है, खाना खाओ सो। मतलब सुबह से अभी तक अभी भी हो रहा है, पूरा दिन आज हुआ है। बारिश कैसा हो रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा होते ही जा रहा है, मतलब ज़ोर से नहीं हो रहा है। दोपहर में बहुत तेज़ हुआ था थोड़ा देर, उसके बाद हो रहा है बंद, हो रहा है बंद। है चलो अमृत गुड नाइट। चलो आज अमृत का आजकल फैशन बढ़ गया, ईयरफोन लगा के गेम खेल रहा है। अमृत क्या क्या मिलता है ईयरफोन लगा के गेम खेलने मेरे? अमृत का हो गया, अमृत सो जाएगा। नया नया हुआ है क्या, जो रात में लेट तक नहीं सोता रहता है, अभी सोने के आएगा फिर कितना नौटंकी करेगा, मम्मी नींद नहीं आ रहा है ये वो। उसके बाद सुबह में 8 बजे से पहले इसका नींद नहीं खुल रहा है, बीच में बहुत अच्छा था इसका बन गया, जब से बरसात हो रहा है वॉकिंग जाना छोड़ दिया तो ये लड़का सुबह उठना छोड़ दिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये ब्लॉग आप लोग को पसंद आए, पसंद आएगा तो लाइक शेयर कॉमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब तो बनता ही है। चल बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, मिलते हैं जल्दी नए ब्लॉग के साथ, बाय।